MTV Big F with Gautam Gulati. क्या हुआ? गुदगुदी हुई? कोई फीलिंग महसूस हुई? नहीं 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 नहीं, अट्रैक्शन या फिर कह लो डिजायर? यस, एब्सोल्युटली राइट, उसी फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो कि पहली बार कभी किसी को देखने पर होती है, और वो फीलिंग ऐसी होती है कि कभी जाए ना। The big F. First forbidden fantasies. पहली बार किसी का हाथ पकड़ना, पहली पहली बार किसी को किस करना, और पहली बार उसी की बात कर रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? करते सभी हैं, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि 110 करोड़ की आबादी वाले देश में ये बात forbidden है। पर हम तो करेंगे इसके बारे में बात, और रोक सकते हो तो रोक लो यार। फैंटेसी सबकी होती, आपकी, मेरी और हमारे मम्मी पापा की भी, और जिंदगी की एक ही ख्वाहिश होती है कि एक फैंटेसी किसी तरीके से सच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति को ले लो। आज तक कभी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना उसका, जबरदस्ती शादी हो रही है, और अब किसी अनजान इंसान के साथ उसके घर में चली जाएगी। क्या श्रुति के सपनों में कभी कोई नहीं आता, या आज तक आया नहीं है? कोई आया है, पर क्या श्रुति को कभी मौका मिलेगा अपने सपनों के हैंडसम प्रिंस से मिलने का? What's wrong with you? Like seriously girl, 4 दिन में हमारी शादी होने वाली, और आज रात तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर जाना है रहने के लिए? Really? No way I'm allowing this. You get that? No way. और तुमने डैड से पूछ लिया? उन्होंने अलाउ कर दिया? उनसे तो मैंने अभी पूछा नहीं है, सोचा पहले आपसे पूछ लूं। Thank God तुमने नहीं पूछा, वरना वो भी बेचारे embarrassed feel करते। Like seriously, Shu, stupidity भी कोई हद होती है यार। बोला उसको कि अपने फ्रेंड के घर से ना वो आज ही नहीं लौटूंगी। देखिए मोहित, मैं अपनी फ्रेंड के घर ही जा रही हूँ, और मेरी बाकी फ्रेंड्स भी आ रही हैं। शादी के बाद तो मैं आपके साथ US चल दूंगी, इसलिए चाहती थी कि जाने से पहले उनसे मिल लूं। जैसे आपकी बैचलर्स पार्टी होगी, वैसे ही हमारी पार्टी होगी। जस्ट बिकॉज तुम एक US के बंदे से शादी कर रही हो, दैट डज नॉट मीन कि यहाँ की कल्चर की प्रैक्टिस तुम वहाँ शुरू कर दो। यू गेट दैट? यहाँ कैसे हम हमारे कल्चर को बचाए बैठे हैं, ओनली आई नो। एक लड़की और एक लड़की में बहुत फर्क होता है। Do you know alcohol hits women faster than it hits men? And it's a fact. अब भगवान ने सब बनाया तो बनाए से, deal with it. Anyway, so it's decided you are not going, right? Anyway, not to worry, just give me a kiss and I'll be fine. One kiss. क्या हुआ? अब क्यों upset लग रही हो तुम? बाबा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। Yeah, I'm fine. Just give me a kiss. Seriously, I know. आखिर तुमने बात मनवाई नहीं। Alright, पहली किस हम करते हैं। अरे, ये क्या किया तूने? जो तुझे करना चाहिए था, उसका मुंह बंद। अरे, इन जैसों को ना लड़कियां यहाँ मिलती हैं ना वहाँ। कभी ये लोग अरेंज मैरिज करते हैं। क्या बके जा रही हो? अरे, बक नहीं रहे हम। बता रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, फंस जाओगी। क्यों कर रही हो ये शादी? ऐसा ही होता है प्रिया, हम कोई पहली लड़की नहीं है। हाँ, ऐसा चाहोगी तो ऐसा ही होगा ना। अब हम भी तो झेल रहे ना तुम्हारे भाई को पिछले 5 साल से, अपने बाप को तो आज तक तुम्हारे पापा को तो कुछ कह नहीं पाए आज तक हमारे बारे में। नहीं कह पाए ना, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो यार? इट्स टू लेट प्रिया, अब कुछ नहीं हो सकता। झरनों में आपने आपको धकेला ही है तो 4 दिन बाद ही सही। अरे जन्नत तो देख लो। मतलब? अरे मतलब छुट्टी,
वेकेशन मना लो अपने पापा और भैया के साथ नहीं, अकेले अपने साथ, अपनी अरमानों के साथ, अपनी चाहतों के साथ, उसके साथ जिसको तुमने लैपटॉप में परसों से छुपाए रखा। यही है ना तुम्हारे सपनों का शहजादा। कभी छुआ भी है इसे, हाथ भी मिलाया है, दूर दूर से अपनी आंखों को ठंडक देती आई हो। तो कह रहे हैं एक बार वेकेशन मना लो इसके साथ। वेकेशन? 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 हाँ। तुम पागल हो गई हो, मेरी शादी होने वाली है। अरे नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, तुम चाहो ना सब पॉसिबल। तुम पागल हो। याद है ये फोटोग्राफ कब ली थी? अरे पापा छोड़ो अभी, मत करो टाइटैनिक, सीधा करो। अब तुम पागल हो गई हो, श्रुति के आगे? अरे तो क्या? अरे फैमिली रिलेशन है उनके साथ, ऐसे नहीं देखते समझी। और वो जानते कौन है? राठौर अंकल के बेटे हैं विक्रम भैया। और तुम क्या देख रही हो टुकुर टुकुर, तुम तो जानती हो ना सब कुछ। तो क्या हो गया? अरे पड़ोसी हैं वो हमारे, और पापा के बहुत एहसान है इन पे। और जानती हो ट्रेनिंग के बाद एनएसजी कमांडो में भर्ती किसने कराया? पापा ने। पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं समझी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि श्रुति उन्हें ऐसे नहीं देख सकती? बिल्कुल नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अरे तो क्या हो गया? हम ही उन्हें देख लेते हैं श्रुति की तरफ से। ये वाली तुमने खराब कर दी थी। मैंने? हाँ। अच्छा रेली आएगी, क्या करिए तू? रात को कुछ अपनी नींद है ना उसके लिए। डबल भोकल। थोड़ा कंट्रोल कर लेती तो अच्छी फोटो आती। हाँ हाँ जानते हैं हम तुम्हारे अंदर की जो आग बाहर आ रही है ना। अब शर्माने से क्या होगा, कह रहे हैं इसके साथ एक बार वेकेशन बना लो। कहाँ यार, वो तो कश्मीर में है। लास्ट वीक जब कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उन्होंने बचाई थी लोगों की जान। अरे तो तुम भी अपनी जान बचवा लो। चुप रहो। अरे कहाँ जा रही हो तुम, जाना नहीं है क्या वीजी के घर पे? कैसे जाएंगे यार, मोहित ने मना कर दिया है ना। ओफो यार तुम ही ना। देखो उस चंपक से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन चार दिन बाद जिस मुसीबत को तुम्हें गले लगाना है उसे आज क्यों गले से उतार रही हो? चलो ना। अरे कौन है वहाँ, क्या हो रहा है? अरे कौन है, क्या हो रहा है वहाँ? क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, टूटने की आवाज आई उस तरफ से। देखो शादी ब्याह का घर है, सतर्क रहना चाहिए। श्रुति उतरो, कोई आ जाएगा यार, जल्दी करो। भीम सिंह। पापा मैं देखता हूँ ना, अब भीमा को क्यों बुला रहे पापा? उतरो।
कहा गया? प्रणाम बाबूजी। विक्रम, what a pleasant surprise। आप क्या वॉक पे जा रहे थे? नहीं बेटा, यूं झांकने आया था। कुछ तो आवाज आई थी इस तरफ से। वो मेरे बाइक की आवाज थी। अच्छा अच्छा। नितिन, आओ बेटा आओ। देखो। जी पापा। विक्रम आया। विक्रम भैया। अंदर ले जाओ। हाँ। आओ बेटा। जी। अच्छा, आपकी शिफ्टिंग यहीं पे हो गई है क्या? हाँ, ये घर इतना सजा हुआ क्यों है? किसकी शादी है? अरे इसी की तो शादी है। हाय, हाय। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप श्रुति को तो जानते हैं ना? हाँ, छुटकी। हाँ, तो मैं उसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अभी इतने दिन बाद आप आए हैं तो दो तीन दिन तो रह के जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, भैया का अपना घर है, यहीं पे रुकेंगे वो। हाँ तो मैं गेस्ट रूम साफ करवा दूँ? गेस्ट रूम में तो शादी का सामान रखा हुआ है। भैया आप अपने रूम में एडजस्ट कर लो। हाँ ठीक है। क्या बात है, एक ही फ्लोर पे एक कमरा दूर अपने हीरो से, फुल प्लानिंग। तो मैं काम करता हूँ, भैया का सामान रख देता हूँ। अरे छुटकी, लास्ट टाइम आई सॉ यू तुम इतनी सी फ्रॉक में थी, कितनी बड़ी हो गई हो। प्रिया राइट? या। कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेडिंग। थैंक यू। लड़का क्या करता है? गधा है। या आई मीन मेरी तो मती मारी गई थी, पता नहीं कौन सी घड़ी मैंने उसे हाँ बोल दिया था, पर मेरी किस्मत किस्मत तो अपने हाथ होती है ना, उसको बनाना या बिगाड़ना, अब किस्मत को दोष देके क्या फायदा। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। मैं चेंज करके आता हूँ। श्रुति की फैंटेसी खुद ब खुद श्रुति के सामने आ गई। अब आप बताइए मुझे कि अगर आप श्रुति की जगह पर हो तो आप क्या करोगे? अब श्रुति को इस मौके को हाथ से जाने देना चाहिए? क्या श्रुति इस बार वेकेशन ले पाएगी? हमें भी बस यही देखना है। छुटकी छुटकी, मेरी प्यारी छुटकी। प्लीज यार छुटकी मत बोलो, तुमने उनको झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी शादी हो रही है? अच्छा सुनो, तुम्हारे भाई को हमने 6 महीने दिए, अगर तुम्हारे पापा से हमारी बात नहीं कर पाए तो हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो तुम कर रही हो। अरे उस जेल में जाने से पहले एक बार तो अपनी लाइफ जी लो, और वैसे भी वो यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के लिए, उसके बाद तुम कहाँ और वो कहाँ, कम से कम पूरी जिंदगी रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि क्या पता कुछ हो सकता था, यू नो। ये लो, आ गए ताऊ जी खबर लेने। जी मोहित। घर पे ही हो ना? बस चेक करने के लिए कॉल किया था। गुड, आई एम ग्लैड तुम पार्टी में नहीं गई। नाइस, जस्ट लाइक माय गर्ल। यू नो व्हाट, I'm really excited for the cocktail party. हम तुम्हें अच्छी तरह से मिलेंगे तब। चलो अब सो जाओ, हम तुम्हारे सपने में आएंगे और तुम हमारे सपनों में आना। On that romantic note, good night, sweetheart. Love you. अरे अभी मूड मत खराब करो, चलो एकदम कायदे से विक्रम से मिल के आते हैं। अरे पर इतनी रात को जाएंगे तो बोलेंगे क्या कि हम आए क्यों हैं? वो थैंक यू नहीं बोला ना हमने उनको बचाने के लिए? थैंक यू। क्या बात है, लगता है विक्रम भी वेकेशन में जाने की तैयारी कर रहा है। 6, 7, 8 क्या हुआ, हवा निकल गई? तुम तो सिलेक्शन के पहले राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए। अरे हम तो अपनी जॉब में खुश हैं, बस कीबोर्ड पे उंगलियां चल जाए।
हमें उसी से खुशी मिलती है। हाँ हाँ तुम तो रहने ही दो, कितना सारा काम बचा है कौन करेगा। हाँ चलो बाबूजी बुला रहे, चलो चलो। क्या सोच रहे हो, चलो बाबूजी बुला रहे। अरे तुम विक्रम भैया के सामने क्या दादागिरी दिखा रही हो। गनीमत समझो, बाबूजी के सामने नहीं दिखा रही, अभी जाओ बुला रहे वो। क्या हुआ, टी शर्ट पसंद नहीं आई? नहीं। ठीक है तो चेंज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली हम थैंक्स कहने आए थे, आपने हमारी जान बचाई। उसमें क्या बड़ी बात है, बचपन में बदमाशी हम सबने की है ना। बैठो आओ और बताओ। नहीं और तो कुछ नहीं। आपके पास गन भी है? क्या करें, काम ही ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ढील बरती तो दुश्मन बाजी मार जाएगा। कमांडो हैं भाई। ठीक है। चुकी सुनो, वो तुम्हारी दोस्त थी ना प्रिया, वो शादी को लेकर अपसेट है क्या? नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं, जस्ट दैट लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है और वो ना खुश है। कौन सा वाला खाएगी? मुझे बड़ा वाला चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी में आए हैं तो छोटा हमारी किस्मत में है। बिल्कुल। आप फिर से किस्मत को कोसने लगी, इस बार बड़े छोटे की चॉइस पर। हम कमांडोज के पास ना पिस्टल रहती है छोटी सी, लेकिन काम बहुत बड़ा करती है वो। जरूर जरूर, आप बातें बहुत अच्छी कर लेते। अच्छा अभी ये बताइए कौन सा वाला खाएंगे, सख्त वाला या नरम वाला, क्योंकि बड़ा वाला तो इन्होंने ले लिया है। नहीं मैं फूटा नहीं खाता। श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा बुला रहे हैं शादी की पूजा के लिए और पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। शादी तुम्हारी है, पूजा वो क्यों करेगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मेरी बहन जैसी है, तो पूजा भी मेरी बहन जैसी कोई करेगी ना। विक्रम भैया, श्रुति चलो यहाँ से, चलो। अरे क्या हुआ? क्या विक्रम भैया, आप तो जानते हैं ना चुटकी की शादी है।
श्रुति की शादी? हाँ हाँ श्रुति की शादी है। श्रुति की शादी है? नितिन देखो तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ, बस इतना बताओ कि तुम बाबूजी को तो नहीं बोलोगे ना अपनी? अरे हमारा दिमाग खराब है क्या? हम बाबूजी को जाके क्या बोले कि जो उनकी लाडली है वो विक्रम भैया की बाहों में थी? हमें भी अपनी जान प्यारी है, समझी? नितिन मेरी बात सुन। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप एक या दो दिन यहाँ पे हैं, हम आशा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। विक्रम जिसे बच्ची समझता था उसे ये नहीं पता कि वो बच्ची अब बड़ी हो गई है, शादी वाली उम्र हो गई है। पर जब उसने विक्रम यानी अपनी फैंटेसी को उन नजरों से देखा तो भाई साहब की बैंड बजी। असल में चक्कर पता है क्या है, हमारी सोसाइटी में लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वैसी वाली फीलिंग्स तो रखे ही ना, और कुछ लड़कों को ये एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ होती है कि लड़कियों के भी कुछ अरमान होते हैं। क्या विक्रम भैया उन्हीं लड़कों में से है या नहीं, देखते हैं। तुम यहां पे क्या कर रही हो? बस एक बात कह रही थी तुमसे। जाओ यहां से, तुम्हें कोई देख लेगा। लाइफ में अब तक जैसे पापा ने तय किया है हमने वैसा ही किया है, ये शादी भी, और शायद हम शादी करके यूं ही चले गए होते आपसे बात किए बिना अगर आप अचानक से नहीं आए होते तो। ये सच है कि हम आपको लाइक करते हैं, आप हमारे सपने में आते रहे हैं लेकिन कभी कह नहीं पाए, इसलिए आई एम सॉरी। हम ये भी नहीं कह पाए कि हमारी शादी हो रही है। उस दिन जब आपने हमसे कहा हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं, देखे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं या नहीं। दूसरों के डिसीजंस पर तो हम जिंदगी भर चलते आए हैं, लेकिन क्या हम एक पल के लिए अपने डिसीजन पर चल सकते हैं? आपके साथ नीचे पंडाल में वो एक पल, या जब आपके कमरे में आपके बाहों में थे, हमें तब महसूस हुआ कि खुशी क्या होती है, सच्ची खुशी। इसलिए हम बस आपको थैंक्स कहने आए हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमसे नाराज ना हो। हमसे नाराज नहीं हूं श्रुति, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारे पापा के बहुत एहसान है मुझ पर, थैंक गॉड उस दिन हमारे बीच और कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी शादी नहीं हो रही होती तो शायद कुछ हो जाता। मैं कल सुबह जा रहा हूं, अपनी छुट्टी से एक दिन पहले ज्वाइन कर रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? चलो जल्दी करो जल्दी करो। श्रुति तुम्हें अपनी लहंगे की फिटिंग के लिए जाना था ना? हाँ श्रुति, अरे ये सब तुम्हें दो दिन पहले करना चाहिए था। अभी तो मुझे नहीं लगता कोई ड्राइवर है यहाँ, सब किसी ना किसी को लेने छोड़ने गए हुए हैं। पापा वो कैप्टन साहब है ना? विक्रम बेटा तुम कहीं बाहर जा रहे हो? जी, मैं हेडक्वार्टर्स तक जा रहा था। अच्छा तो तुम ले जा सकते हो श्रुति को, यही रास्ते में पड़ेगा इनका दर्जी। हमारी बात को कभी टालेगा वेला विक्रम? जाओ विक्रम छोड़ेगा तुम्हें। जी पापा। और हाँ जल्दी आ जाना, हम लोग सब राह देखते रहे तुम्हारी। जी जा। छोड़िए आपको तो पसीना आ गया,
छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ? कब से मैं कम है? कब से कहाँ थी? क्या है? I want a kiss right now. अभी नहीं। हीरो का वेट कर रही हो? Like seriously, girl. ये हमारी पहली किस होगी और हम नहीं चाहते आप ऐसे नशे में रहे। शर्मा गई मैं। हाय हाय। तुमने कभी पहले किस नहीं किया है ना? That's why. जब होंठ से होंठ मिलते हैं ना खुशबू आती है ना बदबू आती है, सिर्फ मजा आता है। मोहित, सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है बाबूजी, everything fine. Why are you creating a scene? मैं क्या मार रहा हूँ? मुझे सिर्फ एक किस दे दो। क्या क्या? मुझे सिर्फ सुन। Okay. Shruti. Shruti, right here. गाड़ी चलानी आती है? नहीं, कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि किस भी करने नहीं आती। अब प्लीज लेक्चर मत देना, मैं जैसे भी हूँ ना खुश हूँ। कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। और फास्टर, फास्टर। इससे तेज नहीं चला सकता हूं मैं। अरे पगला नहीं है? वापस चलें? तुम्हारी शादी है। अरे कहाँ रह गई थी तू? अंदर बवाल मच गया है। मोहित तुम्हारे बाबूजी पे चढ़ गया है, कह रहे कि अंदर शादी की कॉकटेल पार्टी चल रही है और लड़की गायब है। बाबूजी से जाके मैं बात करता हूँ, फिर वो जो भी सजा दें। नहीं विक्रम, तुम रहने दो, मैंने अपनी किस्मत खुद बदली है। हम ये शादी नहीं कर सकते पापा। क्या? कोई और लड़का है? कौन है वो लड़का? क्या चाहती हो? हड्डियां तुड़वा दे हम उसकी? कौन है लड़का बताओ, कौन है? कोई नहीं, बात हमारी है। हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम कैसा लड़का चाहते हैं।
और वो मोहित तो नहीं हो सकता पापा, हम सिर्फ 21 साल के हैं, छोटे हैं लेकिन बच्चे तो नहीं। जिसे अपनी जिंदगी देना चाहे वो इज्जत पाने के लायक तो हो, प्यार तो दूर की बात है। पापा, आपकी और माँ की शादी पे ठहरा कर ही हुई थी, लेकिन माँ पर गर्व करती थी, आपकी इज्जत करती थी। मोहित इतने पढ़े लिखे हैं, इतने कामयाब है, यूएस में रहते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें देखकर उनकी इज्जत कर सकते हैं? जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ तो कनेक्शन फील होता है। मोहित को देखकर तो हमें ठहन आती है। पापा, हमारी खुशी की खातिर आपने जो भी किया है उसका वास्ता देकर हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का फैसला हमें खुद करने दीजिए। हम मुझसे शादी नहीं करेंगे। मेरा हाथ उठ जाए, हट, हटो यहाँ से। हो क्या रहा है? पूरी पार्टी में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बहाने बना बना के थक गए हम। अरे मजाक बना दिया है हमारा। ऐसे वेलकम करते हो आप लड़के वालों का यहाँ? और तुम कहाँ चली गई थी? हमें पता कर जाना चाहिए। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम अपने पापा से बात कर रहे हैं। बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? जरा हम भी तो सुने। जरूर हमारी कंप्लेंट कर रही होगी कि हमने तुम्हें किस करने की कोशिश की। सो व्हाट्स द बिग डील? हमारी होने वाली बीवी है, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। एक बात बताओ, कल जब तुम्हारा कन्यादान हो जाएगा उसके बाद क्या हर बात के लिए अपने बाबूजी के पास आया करोगी हमारी शिकायत लेकर? अगर आना चाहे तो क्या नहीं आ सकती? बाबूजी हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब तो वही था, पापा के सामने बात मत बदलिए। हमसे उल्टी बात मत किया करो। मेरे सामने उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। How dare you? Why did you do it? हमारे सामने हिम्मत भी मत करना उसे ऐसे बात करने की। क्या इसी तरह संभालने वाले थे हमारी राजकुमारी को? अननेसेसरी ड्रामा, अनकॉल्ड फॉर, लाइक सीरियसली, हर कोई ड्रामेबाज है यहाँ। पापा, आपसे एक और बात कहें, भैया भी किसी से प्यार करते हैं, और जो लड़की है उससे अच्छी बहू हमें नहीं मिलेगी। आप खुद ही भैया से बात करिए, उनका तो मुंह ही नहीं खुलना आपके सामने, और इस वजह से आप और भैया एक अच्छी बहू से हाथ धो बैठेंगे, और वो लड़की बहुत अच्छे ससुराल से। आपने पूछा था अब क्या? हम भी नहीं जानते थे उस पल, लेकिन अब बस इतना कह सकते हैं कि कल सुबह जब आप जाओ तो हमारी बालकनी से देखना एक दुपट्टा लटक रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई और जो हुई वो दोहराना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा दुपट्टा साथ ले जाना, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। फाइनली श्रुति ने अपनी फैंटेसी को जी लिया, और उसको क्या मिला? आवाज मिली। पर याद रहे माय फ्रेंड, श्रुति की जगह आप भी हो सकते हो। और सही बताऊं तो फैंटेसीज होना बहुत जरूरी है। यू नो व्हाई? क्योंकि अरमानों को दबा के अगर आप अपनी जिंदगी जियोगे ना, तो एक ना एक दिन जरूर दिल में बम फटेगा, फिर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और एक बात याद रहे माय फ्रेंड, आपकी फैंटेसी किसी और पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपकी आंख किसी और में कम से कम चिंगारी तो जलाए, क्योंकि फीलिंग्स दोनों तरफ से होगी, केमिस्ट्री दोनों तरफ से होगी, कनेक्शन दोनों तरफ से होगा, तब जाके एक रिश्ता बनेगा। तो सुन लो अपने दिल की, करो अपने मन की और जी लो अपनी जिंदगी। और जाते जाते तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा नाम नाम है गौती।